मेरा नाम डॉक्टर आयशा बतूल है और मैं एक दफा आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है महामारी से पहले की अलामत से कैसे निपटा जाए और महामारी से पहले की अलामत होती क्या है, जिसको हम प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं अपनी जुबान में, आजकल बहुत कॉमन है। मेरे क्लिनिक में बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो इस बारे में बड़ी डिस्कशन करते हैं कि महामारी से पहले से हमें ये अलामतें स्टार्ट हो जाती है, महामारी के दौरान भी होती है, पूरा महीना हमारा इसी चक्कर में गुजर जाता है, तो इनसे कैसे निपटा जाए। इस सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसकी अलामत होती क्या है, जो कि आपको हफ्ता 10 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आ जाता है पतले पेट का दर्द यानी कि लोअर एब्डोमिनल पेन। दूसरा पॉइंट आ जाता है बैकिक, कमर दर्द, फटीग, एंजाइटी, टेंशन, आपको चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, छोटी छोटी बात की टेंशन लेना, उल्टी भी बहुत से पेशेंट को आती है, दिल खराब भी होता है, बहुत सी चीजों की स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। मोस्टली प्रेगनेंसी के भी साइन सिम्टम्स होते हैं, लेकिन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी ये चीजें बहुत कॉमन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इन अलामात से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाता है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा रोल है और बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले वहां 5-6 पॉइंट्स हैं जो हम ना बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है डेली की रूटीन में जो आप खाते हैं, यानी कि जो आप दिन में 2-3 दफा खाते हैं वो आप 6-7 दफा भी खा सकते हैं ड्यूरिंग दिस फेज। वैसे रूटीन की बात नहीं कर रही मैं, आपको प्रीमेंस्ट्रुअल फेज की बात बता रही हूँ कि आप उस फेज में यानी कि पीरियड से हफ्ता 10 दिन पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो आप 2-3 दफा दिन में खाना इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप 2-3 घंटे के वक्फे से आप इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, आपको ना भरे होने का एहसास होगा ना आपको पेट फुला फुला लगेगा। क्योंकि जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है उसमें एक फीलिंग ये भी होती है कि आपको अपना जिस्म बहुत फुला फुला फील होता है, कि जैसे बहुत हैवीनेस है, बहुत टेंडरनेस है, तो उस चीज से बचने के लिए हम ये पॉइंट अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है एक्सरसाइज, यानी कि वॉक, एक्सरसाइज, इसको बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं वो इस सिंड्रोम को यानी इन अलामात को अपने सर पे सवार कर लेते हैं, इस लेवल तक चले जाते हैं कि उनको लो डोज, रेयर केसेस होते हैं लेकिन उनको हमें स्टार्ट कराना पड़ जाता है लो डोज एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, वो ऐसा करते हैं, उनमें क्या अलामत होती है कि वो अपनी वर्क प्लेस से छुट्टी करना शुरू कर देते हैं, डेली की एक्टिविटीज को अवॉइड करना शुरू कर जाते हैं, परेशान कुन होके कोने में बैठे रहते हैं या हर वक्त लेटे रहते हैं ना, उनकी नींद पूरी होती है, इरिटेबल से रहते हैं। ठीक है, सेकंड जो इसका मेन पॉइंट है वो है पेन, उसको तो हम पेन के लिए देखे हम ठीक कर सकते हैं, वो तो लेवल्स होते हैं पेन के, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर में आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को ना कैटेगरी वाइज टैकल कर लेते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज और वॉक का मैं आपको बता रही थी कि एक्सरसाइज और वॉक आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स आपने जरूर चहलकदमी करें, थोड़ा बहुत चले, वॉक बिल्कुल तेज तेज नहीं करना चाहते, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड तो आप आराम से 40 कदम 50 कदम 60 कदम भी चल के अपने आप को ईजी फील करा सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है कि नमक का इस्तेमाल आपने कम से कम करना, क्योंकि नमक से बॉडी में वाटर रिटेंशन और आपको फीलिंग आती है जैसे आपका जिस्म फूला हुआ है, हैवीनेस फील हो रही है, दिल खराब हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस फेज के दौरान आप नमक को कम से कम इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कैल्शियम का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए इस फेज में। अगर आप कैल्शियम का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं कर रहे, क्योंकि कैल्शियम आपको पता है ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, अगर आपको बदहजमी हो रही है, वो हजम नहीं हो रहे, प्रॉपर टाइमिंग्स में आप ले रहे हैं लेकिन आप फिर भी फील कर रहे हैं कि कुछ है, जो आप इरिटेट हो रहे हैं, आप फूले फूले फील कर रहे हैं, तो आप कैल्शियम की टैबलेट मस्ट लें उस फेज में, 2-3 वीक्स थ्रू आउट अगर आप लाइफ में ले भी रहे हैं ना तो आपको जरूर लेनी चाहिए कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आ जाता है वाइटामिन B6, जो कि फिशेज और गोश्त में पाया जाता है। इस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि आपको गोश्त और फिश ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, यानी कि ऑल्टरनेट डे पे आप ले सकते हैं, एक दिन छोड़ के। ठीक है, नहीं अगर आप वो नहीं ले सकते, अगर आप होते हैं कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, वो यूज टू नहीं होते गोश्त के, फिश के शौकीन नहीं होते, लवेबल नहीं होते, तो आप वाइटामिन B6 की टैबलेट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि स्लीप, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस फेज, बिकॉज आप इतने इरिटेट हुए होते हो, एंशियस हुए होते हो, सो फेज में स्लीप का होना बहुत जरूरी है, आपने प्रॉपर स्लीप जरूर लेनी है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी रेस्ट करते हैं और स्लीप प्रॉपर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आप बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्स फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि आपने ठंडी तासीर वाली चीजें,
और ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर यू कैन यूज इट। अदरवाइज हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आते हुआ आप ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें, जिसमें आ जाते फल और सब्जी। आप एक दो साइकिल जो आपके पीरियड्स के साइकिल आएंगे, उससे पहले जिन लोगों को ये फेजेस से गुजरना होता है वो ये चीजें पांच छह जो पॉइंट मैंने डिस्कस की करके देखें। आप देखें आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप कितना इजी, कितना अच्छा और कितना डिफरेंट फील करेंगे। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा, हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट के लिए भी हमारा नंबर नीचे चल रहा है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच।